हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और गाइस, आप लोगों ने खाना खा लिया होगा। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। और मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया था, तो उसके चक्कर में मेरे बच्चे सो नहीं रहे हैं डर के वजह से, तो हम उनके साथ जग रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी तो हमें नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लो, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों से बात करने लगे हैं। और किसने क्या क्या आज खाया है वो मुझे हमारे उसमें कमेंट में बताएं। आज मैंने दोस्तों खाई है भिंडी की भुजिया और रोटी और चावल और बूंदी का रायता बनाया था और खीरे का भी रायता बनाया था। हमें उसका रायता नहीं पसंद है, खीरे उसका सॉरी क्या बोलते हैं बूंदी का, तो मैंने अपने लिए बनाया था खीरे का और प्याज का टमाटर का, और बच्चों के लिए उनके पापा के लिए बनाया था उसका रायता बूंदी का रायता, चावल रोटी पराठे और भिंडी की भुजिया बनाई थी। और आज मैं तरबूज भी लेके आई थी, तरबूज मीठा नहीं निकला, पूरा कच्चा निकला तरबूज, तो उसमें पैसे चले गए हमारे बेकार। और दोस्तों, और मैंने आज बहुत सारा काम किया, घर में थक गई काम करके। और दोस्तों, मैंने कपड़े पड़े धोए, जो मेरी बहन आई थी वो मेरी चली गई आज अपने घर चली गई, होली पे आई थी, दो भाई को सांप ने काटा तो उसके चक्कर में बेचारी वो रुक गई थी, तो हम लोगों ने उसे रोक लिया, बोला कि अभी मत जाओ, एक दो दिन रुक जाओ। तो मैंने आपको ये भी बताया था दूसरे ब्लॉग में कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी बेचारा वो ठीक नहीं हुआ है, अभी उसे उठने में चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से वो बेचारी रुक गई थी। दवाई वाई लाने के लिए जाना पड़ता है, उसकी पट्टी करानी पड़ती है, और जो उसके कान में खून निकल रहा था वो खून अब तो खैर बंद हो गया, अब तो ठीक है कुछ। तो अब हम लोग सारे लोग वो सांप की वजह से डरे हुए हैं, बच्चे भी हमारे डरते हैं, बाथरूम नहीं जाते डर की वजह से। और भाभी के बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, लड़का तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लड़की तो थोड़ी बड़ी है। और हमारी दादी तो इतना डरती है सांप से, बहुत ज़्यादा डरती है हमारी दादी। अब जिस भाई को काटा है वो भी बहुत ज़्यादा डरता है, और हमारे पति हैं वो तो खैर नहीं इतना डरते हैं, तो भाई हमें भी डर लगता है, पर क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। तो इसके वजह से, और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बेटी है वो तो बहुत ज़्यादा डरती है, डर के वजह से वो बैठी है, वो तो सो नहीं रही है। ये देखो, ये बैठी हुई है, ये बैठी है, हैं क्या है? और उनके पापा सो गए हैं, हम और मेरे दोनों बच्चे जग रहे हैं। तो मेरी बेटी अपनी मौसी से बात कर रही है, उनकी मौसी आई थी, वो चली गई है। और देखो, और मैं आपको बता रही हूँ, अब बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं, तो इसके वजह से हम लोग भी सोच रहे थे अब हम लोग भी थोड़ा लेट जा सो जाए, पर बच्चे सोने नहीं दे रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, तो इसके वजह से मैं जगी हुई हूँ। और दोस्तों, आप हमारा ब्लॉग पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप लोग हमारा ब्लॉग नहीं देखते हो दोस्तों, और ब्लॉग नहीं देखते हो ना, मैं सब्सक्राइब करते हो दोस्तों ना लाइक करते हो, तो इसके वजह से आप हमारा ब्लॉग देखना, कोई गलती हो तो हमारे माफ़ करना। और बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय।